मित्रों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हर व्यक्ति के घर में बैंक अकाउंट खोलने का काम मोदी जी ने समाप्त कर विधवा सहाय, वृद्ध सहाय, बच्चों के वजीफे, ये सारा कोई कमीशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कमीशन देने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एक बटन दबाते ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और आपके पॉकेट में आ जाता है। 12 लाख किसानों को, जम्मू कश्मीर के 12 लाख किसानों को मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, हर साल 6000 रुपया सहायता का उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। मित्रों, पहुंच जाता है। मैं आप लोगों के कहे, आप चिंता करिए, चिंतन करिए, सोचिए, ये अलग अलग बातों से आपको गुमराह करते हैं, ये सारी बातें पहले क्यों नहीं, जो ये 2 साल के अंदर होगी, पहले क्यों नहीं हुआ था? किसको हिसाब देना है बताइए, मुझे देना है क्या? मुझे देना है भैया? जिसको हिसाब देना है उसे मांगिए तो खरा, जरा पूछिए, ये सब बातें अब बाद में करिए, पहले ये सब काम क्यों नहीं हुआ? मित्रों, भ्रष्टाचार नाबूद हो गया है। मनोज जी ने बड़े भावुकता के साथ कहा, नीचे कहीं चलता होगा, परंतु इसको भी नाबूद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है। मैं अभी अभी कोरोना का प्रकोप आया, कोरोना के प्रकोप में पूरी दुनिया इसके सामने लड़ रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी लड़ा, कश्मीर भी लड़ा, टीका ढूंढ लिया गया, टीका देने की शुरुआत हुई। मुझे एक बात बताओ भाई, सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन, 100% टीकाकरण कौन से राज्य का हुआ मालूम है आपको? कौन से राज्य का हुआ? जोर से बोलिए, कौन से राज्य का? क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी मानते हैं जम्मू कश्मीर ने बहुत घाव झेले हैं, सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित आज जम्मू कश्मीर को कर देना चाहिए, और इसलिए जम्मू कश्मीर के हर युवा को, हर वृद्ध को, हर लोगों को जो लाए टीका देने के लिए, जिनका वय है, वो सभी को टीका देने का काम समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का भी 50% काम हमने समाप्त कर दिया। मैं धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहता हूं, जिसको एक टीका न मिला ऐसा कोई हो तो जरा हाथ खड़ा करिए, इक्का दुक्का कोई छूट गया, एक भी नहीं खड़ा हुआ, सबको मिल गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर के लिए लगाव का ये उदाहरण है, ये प्रमाण है, तभी जाकर ये होता है। पर्यटन, ये सारी बात करते थे, 40,000 लोग मारे गए, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हमेशा पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो लगाते रहे, क्या नतीजा हुआ? घाटी का पर्यटन समाप्त कर दिया था। मैं आपको बताता हूं, मार्च 21 के बीच में 1,31,000 पर्यटक देश के और विदेश के जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं, वो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जो शांति को खलल पहुंचाते, उनका मकसद क्या है? यहां उद्योग न लगे, यहां टूरिज्म न बढ़े, यहां का युवा बेरोजगार रहे, और बेरोजगार होकर उनके बताए रास्ते पर हाथ में पत्थर उठाता रहे। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाए, हाथ में पुस्तक उठाए। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाए, वो हाथ में कलम उठाए।